अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मौलाना उस्ताद इसराइली साहब की किताब उजालों का काफिला, इससे आज 16वां बाब, नुकसान का नफा। धरती जैसे बंजर हो गई थी, मदीने के बूढ़े बच्चे और जवान भूख से तड़प रहे थे, लेकिन कहद ऐसा सख्त था कि गले की सूरत दिखाई ना पड़ती थी। माएं बच्चों को दिलासे दे देकर थक चुकी थी। भूख से निडाल बच्चे नकाहत के मारे ठीक से रो भी ना पाते थे। सभी के हाथ खुदा के दरबार में फैले हुए थे। आज भरी निगाहें आसमान का तवाफ कर मायूस लौट आती थी। कब खत्म होगा ये कहद? मदीने के सुनसान गलियों की रौनक कब वापस लौटेगी? भूख और फाके की मारी माएं अपने नन्हे नन्हे बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर आसूदगी की सांस कब ले पाएगी? उमर सोचते सोचते थक गए थे। लगता था सारे मदीने में सबसे परेशान वही हो। आखिर तो वो अमीरुल मोमिनीन थे, बच्चों के बाप, बूढ़ों के बेटे और जवानों के बड़े भाई। कहां से लाए वो बहुत सारा गल्ला जिसके जरिए वो भूख से बिलकते बच्चों के आंसू पोंछ सके? यही फिक्र, यही गम उन्हें परेशान किए हुए था। रात को मस्जिद नबवी में वो खुदा के आगे सर टेकते तो फिर जैसे सर उठाना ही भूल जाते। वो अपने खुदा के सिवा और किस से शिकायत करते? अपने परेशानियों की, अपने मुसलमान भाइयों के दुख और तकलीफ की, खुदा से बड़ा सहारा और उनका था कौन? उनकी मिल्लत के नन्हे बच्चों के लिए और उन औरतों और मासूम बच्चियों के लिए जिनकी उम्मीदों का मरकज वो थे, जिनके लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा सहारा उनकी जात थी। गल्ले से भरे ऊंटों की एक लंबी कतार उस्मान के घर की तरफ बढ़ रही थी। मदीने के सब बड़े और कामयाब ताजिर उस्मान गनी ने गल्ले की तिजारत के लिए बड़े मौजू वक्त का इंतखाब किया था। इस वक्त जबकि मदीने की तमाम आबादी एक एक लुकमे को तरस रही थी, गल्ले की तिजारत से ज्यादा नफा बख्श कारोबार और कौन सा हो सकता था? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने फौरन ही उस्मान से राब्ता कायम कर लिया था। उस्मान गनी ने बहुत बड़े पैमाने पर गल्ला स्टॉक कर लिया था और यह स्टॉक मदीने की तमाम गिजाई जरूरियात पूरी करने के लिए काफी था। अमीरुल मोमिनीन चाहते थे कि हुकूमत उस्मान गनी से तमाम स्टॉक खरीद ले ताकि इसे मुनासिब कीमत के बदले हर फर्द तक पहुंचाया जा सके। उस्मान, यकीनन तुम एक जहीन और कामयाब ताजिर हो, लेकिन इस वक्त लोग बहुत तकलीफ में हैं। क्या ये मुनासिब ना होगा कि तुम खुद ये गल्ला फरोख्त करने के बजाय हुकूमत के हाथ फरोख्त कर दो ताकि मैं इसे गरीबों तक पहुंचा सकूं? ये कैसे हो सकता है अमीरुल मोमिनीन? उस्मान गनी ने साफ इनकार कर दिया। ये गल्ला मैंने ज्यादा से ज्यादा नफा कमाने के लिए मंगवाया है। इसे एक मामूली कीमत पर हुकूमत के हाथ फरोख्त करके मैं खुद को खसारे में आखिर क्यों डालूं? लेकिन मदीने के लोग बहुत तकलीफ में हैं उस्मान, उमर ने बेकरारी के साथ कहा। तुम्हें इसका ख्याल करना चाहिए। लोगों की शदीद जरूरत मुझे अपने माल पर ज्यादा से ज्यादा नफा लेने के हक से किस तरह महरूम कर सकती है अमीरुल मोमिनीन? उस्मान ने बड़ी खाकसारी के साथ जवाब दिया तो अमीरुल मोमिनीन चुपचाप उस्मान को देखते रह गए। तो तुम हुकूमत के हाथ गल्ला फरोख्त नहीं करोगे उस्मान? खैर, ये तुम्हारा हक है। क्या तुम इस फैसले पर दोबारा नहीं सोच सकते? नहीं अमीरुल मोमिनीन, मुझे तो जो ज्यादा कीमत देगा मैं इसके हाथ गल्ला फरोख्त कर दूंगा। आखिर मैं हुकूमत ही के हाथ अपना गल्ला क्यों बेचूं? लेकिन हुकूमत तुम्हें दुगनी कीमत दे सकती है। अगर तुम अपना गल्ला बेचना चाहो तो जितनी कीमत में मैंने तुम्हारे गल्ले की लगाई थी इससे दोगुनी कीमत देने को तैयार हूं। नहीं अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत अदब के साथ आपसे कहता हूं, मैं गल्ला हुकूमत के हाथों फरोख्त नहीं कर सकता। जिस कीमत को आप दोगुना कह रहे हैं वो भी कोई कीमत है? आप देखते नहीं इस वक्त गल्ले की कितनी शदीद मांग है। क्या आपकी कीमत मेरे गल्ले का मोल बन सकती है? बिल्कुल नहीं अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी मर्जी उस्मान, उमर ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा और थके थके कदमों से उठकर चल दिए। और शाम को उमर ही ने नहीं,
सब लोगों ने देखा कि मदीने के बाशिंदे गल्ले से भरी हुई बोरियां और थैले लिए अपने अपने घर जा रहे हैं। मदीने की तमाम गलियों में पुरानी चहल पहल दोबारा लौट आई है। इस शाम मदीने के घरों में न जाने कितने रोज के बाद चूल्हे सुलगे और आंगन से निकलता हुआ धुआं बच्चों की मुस्कुराहटों का पैगाम बन गया। कितने रोज के बाद बच्चों ने पेट भर रोटी खाई और माओं के बेरौनक चेहरों की ताजगी वापस लौट आई और उस्मान के गोदाम खाली होते चले गए। सचमुच उस्मान की तिजारत बहुत कामयाब रही थी। शाम होते होते इनका सारा स्टॉक खत्म हो गया था, तमाम गोदाम खाली हो गए थे। भूख से निढाल बच्चे गलियों में कहके लगाते फिर रहे थे, मासूम बच्चियां दफ पर गीत गा रही थी और बड़े लोग खुदा के हुजूर सजदाए शुक्र अदा करने जोग दरजोग मस्जिद चले आ रहे थे। मगरिब का वक्त हो गया था। बिलाल ने खुदा की बड़ाई का ऐलान किया और नमाज के लिए सफे सीधी हो गई। पहली ही सफ में उस्मान भी मौजूद थे। नमाज से निमट कर उमर सीधे उस्मान के पास आए, हैरान हैरान से, खामोश खामोश से, ब्रदर उस्मान। इन्होंने उस्मान के कांधों पर हाथ रखकर कहा, मदीने की सारी बूढ़ियां तुम्हें दुआएं दे रही है। अमीरुल मोमिनीन उस्मान ने धीमी आवाज में कहा, आप कितनी कम कीमत पर मेरा गल्ला खरीद रहे थे और मैंने अपना गल्ला खुदा के हाथ कितनी बड़ी कीमत पर फरोख्त किया है, आपने देखा मैं कितने नफा में रहा। अमीरुल मोमिनीन ने बढ़कर बड़े प्यार से उस्मान को गले लगा लिया। वो उस्मान से चांदी के चंद सिक्कों के बदले मामला करने गए थे, मगर उनका दोस्त मदीने का कामयाब तरीन ताजिर था। आखिर ये बात वो क्यों भूल गए थे। वहदत विजन में आज बस इतना ही। आपसे दरखास्त है इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। मैं तैयब जफर अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Mm-hmm.